हे वो सब गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खतरनाक क्रिएशन। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप पिक्सार्ट एप्लीकेशन से रियलिस्टिक फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो आपको पता ही होगा, ये वाला फोटो मैंने आज ही इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था, तो बहुत ही ज़्यादा रियल लग रहा था ये फोटो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप ऐसी फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फोटो को पिक्सार्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। पिक्सार्ट एप्लीकेशन में ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको जाना है ऐसे टूल वाला ऑप्शन पर। टूल वाला ऑप्शन पर जाने के बाद आपको फ्लिप रोटेट का ऑप्शन मिलेगा, इस वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे मिलेगा हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन, हॉरिजॉन्टल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जब आप हॉरिजॉन्टल पर क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो बैकग्राउंड रहेगा इस उल्टा हो जाएगा। तो उसके बाद आपको करना क्या है, टूल वाला ऑप्शन पर जाके रिसाइज आप ऑप्शन पे जाना है। रिसाइज वाला ऑप्शन पे जाने के बाद आपको अपने फोटो को जरूर रिसाइज कर लेना है गाइस, ताकि आपका फोटो HD एडिट हो। ओके गाइस, तो उसके बाद आपको करेंगे फोटो को ऐड। तो फोटो को ऐड करने के लिए हम करेंगे ड्रॉ वाले टूल का यूज़। तो यहाँ से हम जाएंगे ड्रॉ वाले टूल पर, उसके बाद हम प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद फोटो वाले लेयर पर जाके हम अपने फोटो का कटआउट कर लेंगे। तो फोटो का कटआउट हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ से हम फोटो को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको अपने फोटो को बैकग्राउंड से एडजस्ट कर लेना है। तो एडजस्ट करने के बाद आपको कहीं पे भी टैप कर देना है गाइस। टैप करने के बाद सिंपली गाइस आपको यहाँ से डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारा जो फोटो है बैकग्राउंड में बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट हो चुका है, बस नीचे का पार्ट है वो अच्छे तरीके से नहीं लग रहा। तो उसके लिए हम जाएंगे गाइस यहाँ से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे गाइस स्नो की PNG। तो स्नो की PNG भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जितनी भी बैकग्राउंड PNG का यूज़ करूँगा सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आके आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। ओके, तो जब आप गाइस नीचे की साइड इसको एडजस्ट करोगे तो मतलब क्या बताऊँगा गाइस, बहुत ही अच्छी तरीके से आपके फोटो में रियलिटी देखने को मिलेगी। देख सकते हैं गाइस, बहुत ही अच्छा इसमें इफेक्ट आपके फोटो में यहाँ पे आएगा। उसके बाद आपको ऐड फोटो में फिर से क्लिक करना है। ऐड फोटो में क्लिक करने के बाद आपको यही PNG फिर से ऐड कर लेना है। तो PNG को ऐड करने के बाद सिंपली गाइस आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको करना है क्या, इसको थोड़ा सा क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद आपको नीचे की साइड यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेना है। तो एडजस्ट करने के बाद गाइस आपको सिंपली डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद गाइस अब हम करेंगे फेस को स्मूथ। तो फेस को स्मूथ करने के लिए आपको ब्यूटीफाई वाला ऑप्शन पर जाना है। ब्यूटीफाई वाला ऑप्शन पर जाने के बाद आपको नीचे स्मूथ वाला ऑप्शन मिलेगा, स्मूथ वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली गाइस आपको कुछ भी नहीं करना है, फोटो को जूम करना है। तो फोटो को जूम करने के बाद इसको गाइस आपको अपने फेस पर ड्रॉ कर देना है। तो फेस पर ड्रॉ करने के बाद गाइस आपका फेस बहुत ही ज़्यादा यहाँ से प्रोफेशनल स्मूथ हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हमारा फेस यहाँ से लग रहा है। तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ से टाइगर का फेस यहाँ से देख सकते हैं, लेंस आंखों में जो लगे हैं वो आप कैसे अपने फोटो में लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे ऐड फोटो में। तो मैंने टाइगर के जो लेंस है उसका ऑलरेडी कटआउट कर रखा है, तो यहाँ से ऐड फोटो में जाएंगे। तो यहाँ से दो लेंस के PNG यहाँ से हम करेंगे ऐड। ऐड करने के बाद गाइस इसको हम करेंगे छोटा। तो छोटा करने के बाद जो हमारी राइट साइड की आँख है इस पर हम करेंगे इसको एडजस्ट। तो यहाँ पे गाइस यहाँ कर लेते हैं हम इसको एडजस्ट। एडजस्ट करने के बाद जो ओपेसिटी है गाइस आपको 80 रखना है। तो आपका जो फोटो है उसके ही हिसाब से आपको अपने आई लेंस की ओपेसिटी रखना है। ओके गाइस, तो यहाँ से हम दोनों आँखों पर एडजस्ट कर लेते हैं। तो मतलब गाइस जब आप एडजस्ट करोगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल आपका फोटो यहाँ से लगेगा, बहुत ही ज़्यादा मैच होगा आपके फोटो से। तो उसके बाद आपको करना क्या है, फिर आपको जाना है ऐड फोटो में। तो ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से गाइस अब हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से बिच्छू की PNG। तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से गाइस आपको छोटा करना है इसको। तो छोटा करने के बाद इसको गाइस आपको अपने हाथ पर एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के बाद सिंपली गाइस यहाँ से डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब गाइस आपको करना क्या है, यहाँ से ऐड फोटो में जाना है। यहाँ से हम स्नो की PNG लगाएंगे। तो सिंपली गाइस यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे स्नो की PNG, उसको गाइस आप जूम कर देंगे। तो इसको जूम करने के बाद गाइज आपको इस टाइप से ऐड करना है, जिस टाइप से गाइज आपका फेस दिखे। ओके, ओनली फेस दिखे। उसके बाद आपको ब्लेंड वाला ऑप्शन पर जाके इसको स्क्रीन कर देना है। मतलब गाइज जब आप इस स्क्रीन कर दोगे तो बहुत ही अच्छा आपका फोटो में स्नो इफेक्ट आएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, तो यहाँ से स्नो आपके फोटो में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको करना है यहाँ से जाना है ड्रॉ वाले टूल पर। ड्रॉ वाले टूल पर जाने के बाद यहाँ से गाइज आपको ब्लैक कलर यहाँ से सिलेक्ट करना है, शेडो क्रिएट करेंगे हम। तो ब्लैक कलर सिलेक्ट करने के बाद सिंपली गाइज आपको 7 मतलब स्मूथ वाला ब्रश सिलेक्ट करना है। इसकी जो साइज है वो गाइज आपको 60 रखना है। सेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जूम करना है और जो बिच्छू के नीचे आपको शेडो यहाँ से क्रिएट करना है। तो इस टाइप से गाइज आपको क्रिएट कर देना है। और इसकी जो ओपेसिटी है वो गाइज आपको 20 के आसपास रखना है, जिससे गाइज आपकी जो शेडो है रियलिटी रखे। उसके बाद हम यहाँ से फोटो एडिटिंग देख सकते हैं हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बस हम थोड़ा सा फोटो रिटच करेंगे। तो यहाँ से हम करेंगे फोटो को सेव। तो फोटो को सेव करने के बाद इस फोटो को हम करेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन।
तो फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन करने के बाद गाइस आपको इंटरफेस ऐसा देखने को मिलेगा। तो आपको जाना है ऑल फोटोज़ पे। ऑल फोटोज़ पे जाने के बाद यहाँ से गाइस आपको अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो फोटो को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको जाना है लाइट वाला ऑप्शन पर। लाइट वाला ऑप्शन पर जाने के बाद इसका जो एक्सपोजर है वो गाइस आपको बढ़ा देना है। एक्सपोजर को बढ़ाने के बाद लास्ट में आपको ब्लैक का ऑप्शन मिलेगा, इसको कम करना है। और जो शेडोज का ऑप्शन है इसको गाइस आपको बढ़ा देना है। उसके बाद आपको नीचे मिलेगा थर्मामीटर वाला ऑप्शन, थर्मामीटर वाला ऑप्शन पर जाना है। इसका जो टेम्परेचर इसको बढ़ाना है और जो वाइब्रेंस है थर्ड नंबर पर इसके कम कर देना है। उसके बाद आपको मिक्स वाले टूल पर जाना है, सेकंड वाला कलर सेलेक्ट करना है, इसके सेचुरेशन को गाइस आपको कम कर देना है। तो सेचुरेशन जब आप कम करोगे जो आपका फेस है बहुत अच्छा ब्राइट हो जाएगा। उसके बाद आपको ब्लू कलर सेलेक्ट करना है, इसके जो सेचुरेशन है वो गाइस आपको फुल माइनस कर देना है, जिससे हमारे जो फोटो है वो गाइस आपको ब्लैक टाइप देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, नीचे वाले टूल सेलेक्ट करना है, इसकी क्लियरिटी को बढ़ाने के बाद आपको बिगनेट को कम कर देना है। हमारा फोटो चारों तरफ से यहाँ से डार्क हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे वाले टूल सेलेक्ट करना है, इसकी शार्पनिंग को बढ़ा देना है। तो शार्पनिंग को बढ़ाने के बाद आपको अपने फोटो में डिटेल देखने को मिलेगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी। उसके बाद आपको ऊपर वाला ऑप्शन फिर से सेलेक्ट करना है। ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद इसका ग्रेन अमाउंट मिलेगा, तो ग्रेन अमाउंट को गाइस आपको बढ़ा देना है, तो आपके फोटो में ग्रेन इफेक्ट आ जाएगा। और प्लस गाइस आपकी फोटो बहुत ही ज़्यादा शार्प होगी, मतलब गाइस बहुत ही ज़्यादा HD आपकी फोटो यहाँ से देखने को मिलेगी। तो गाइस यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हमारी फोटो एडिटिंग है वो गाइस यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक होगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।